दोस्तों पिछले कुछ टाइम से काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट आते हैं जो कि अच्छे रिटर्न का यहाँ पे प्रॉमिस करते हैं और उसके बाद कुछ टाइम के अंदर में यहाँ पे निकल जाते हैं। इसका भी लाइव एग्जांपल आप बोरा बैंड और अभी हिल्टन मेटा एफएक्स आपने सुना होगा जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर काफ़ी सारे इन्वेस्टर के पैसे यहाँ पर ले चुके हैं, भाग चुकी हैं। तो आज हमें ऐसे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है MTFE। इसके ऊपर भी कई बार मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया है लेकिन कुछ नए ऐसे अपडेट है जो मुझे यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं और हो सकता है कि ये अब यहाँ पर इस कंपनी का एंडिंग की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। तो डिटेल्स में बात करेंगे तो मैक्सिमम की वीडियो को आप पूरा देखो। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग की कॉल्स में शेयर करता हूँ। तो इस कंपनी के बारे में यहाँ पर बात करें तो ये बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे यहाँ पे इन्वेस्टर से पैसे यहाँ पे उठा रही है। ये कंपनी यहाँ पे बताती है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करती हो तो ये महीने का 12 से 15% तक का रिटर्न का यहाँ पे प्रॉमिस यहाँ पर करती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम $26 के साथ आप यहाँ पे शुरू कर सकती हो। लेकिन जब मैं इसकी वेबसाइट पर यहाँ पर आया तो मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखी जो कि आपको डाउटफुल यहाँ पर लगेगी। सबसे पहले आप इसके वेबसाइट को देखोगे तो काफ़ी नॉर्मल सा यहाँ पे वेबसाइट बनाया गया है जो कि कोई भी अगर आपके पास पैसे हो तो आप भी बहुत इजी तरीके में यहाँ पे कर सकते हो। राजस्थान, दिल्ली और मुंबई में कई सारे ऐसे डेवलपर्स आपको देखने को मिलेंगे जो इससे भी अच्छा आपको वेबसाइट बनाकर यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद मैं जब थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आया तो यहाँ पर मैंने इन सब वर्ड्स को मैंने यहाँ पर चेकआउट किया। अब जब इन वर्ड्स पे क्लिक करोगे तो ऐसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो फॉरेक्स, कॉमोडिटी, स्टॉक्स, तो कुछ भी चीज़ें यहाँ पे कुछ भी चीज़ें क्लिक नहीं हो रही हैं। इसका मतलब ये सारी चीज़ें जो है एक मामूली सा टेम्पलेट्स यहाँ पे बना दिया गया है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ भी नहीं है कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग की एजुकेशन है, किस तरह से ये आपको रिटर्न करेगी, क्या वो ट्रेडिंग कर रही। जब भी इस तरह की कंपनी आती है तो इन्वेस्टर एक चीज़ जानना यहाँ पे नहीं जरूरी समझते कि ये जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इसका कोई लाइव एग्जांपल है या नहीं, क्या वो एक्सनेस में, मल्टी बैंक एफएक्स में, एक्सएम ग्लोबल में, ओक्टा एफएक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं आपको उस ट्रेडिंग का कोई वीडियोज़ वगैरह वहाँ पर दिखाती है। कुछ आईडी, इन्वेस्टर आईडी और पासवर्ड होता है, उसके थ्रू वो आपको दिखाती है कि वो क्या प्रॉफिट बना रही है, क्यों नहीं वो अपना डाटा दिखाती है कि क्या वो प्रॉफिट बना रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इन्वेस्टर यहाँ पर नहीं जानना चाहते हैं और इस कारण से आज कई सारे लोगों के पैसे यहाँ पर मुश्किल में हैं, कई सारे लोगों के पैसे खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट ये है कि MTFE फिलहाल कुछ टाइम से विड्रॉल नहीं दे रही है, कुछ लोगों का विड्रॉल यहाँ पर बंद है और विड्रॉल उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिसके बिजनेस यहाँ पर चल रहे हैं, मतलब जो यहाँ पर बिजनेस दे रहे हैं। अब ये विड्रॉल्स बहुत सिंपल है कि अगर आप यहाँ पर बिजनेस दे रहे हो तो वो आप ही के पैसे को एज ए विड्रॉल बोल कर रिटर्न यहाँ पर करवा रही है। इसके बाद कुछ नई न्यूज भी देखने को मिल रहे हैं जो आप देख सकते हो, ओवरसीज ट्रेवल बैन इम्पोज ऑन फॉर टॉप ऑफिशियल एट MTFE। तो MTFE को लेकर कोलंबो में यहाँ पे कुछ नए इश्यूज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये शायद इसकी एंडिंग की शुरुआत होने वाली है। तो आप अच्छा होगा कि आप अपने पैसे को यहाँ पे निकाल लो क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद आपको निकालने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरी मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें अजीब लगी कि यहाँ पर आप इसके कोई भी सोशल मीडिया का लिंक्स आपको देखने को नहीं मिलता है, मतलब कल होकर ये कंपनी यहाँ से निकल जाती है तो आप किसी के थ्रू भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाओगे। आप खुद देख सकते हो कोई भी यहाँ पर ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कोई भी यहाँ पर सोशल मीडिया के लिंक्स नहीं है जिसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रैक कर पाओ कि ये बेसिकली कंपनी कहाँ की है, क्या यहाँ पर कर रही है। सिर्फ ये अपनी वेबसाइट में थोड़ा सा मेंशन कर दिया है कि इसने कनाडा से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ले रखा है, बट ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। फॉरेन के जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में ही आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसा कोई खास चीज़ें नहीं है जो कि आप इसमें ऐसे अट्रैक्ट हो और बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करो। तो कोई भी लीडर्स आपके पास ये प्लान अगर लेकर आता है तो आप एक चीज़ ज़रूर मांगना कि ये जो ट्रेडिंग कर रही है इसके प्रूफ क्या है, क्या इन्वेस्टर आईडी और पासवर्ड है जिसे आप MT4 में लॉगिन करके चेकआउट कर सकते हो, क्या एक्सनेस या किसी अदर ब्रोकर में उसका अकाउंट है जो वो वीडियोस के थ्रू यहाँ पे दिखा सकता है। ये कंपनी काफ़ी अच्छे तरह से लोगों को मैनिपुलेट कर रही है और वो बता रही है कि आपको रोबोट ट्रेडिंग, AI ट्रेडिंग के थ्रू आपको इनकम करके वो देगी,
बट फॉरेक्स ट्रेडिंग इतना इजी भी नहीं है कि आप एआई और रोबो के थ्रू अर्निंग करके इतना सारा यहाँ पर रिटर्न दो। और यहाँ पे जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का सिस्टम है उस पर भी लोगों को यहाँ पे ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करो, तो टोटल मनी रोटेशन का गेम है। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत कम इन्वेस्ट करनी चाहिए, बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रिस्की है इस तरह के प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना। पेट्रोल के रिगार्डिंग मुझे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, तो आप मैक्स्योर हो जाओ, आप यहाँ पर आप रेडी हो जाओ, आपने जो भी आपके प्रिंसिपल है उसे विड्रॉल करने के लिए जितना जल्दी हो सके उसे विड्रॉल करो। और थोड़ा बहुत अगर अमाउंट रखते हो तो नो प्रॉब्लम, बट अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है जो आपके फाइनेंशियल सिस्टम को क्रेसिस कर सकता है, तो मैक्स्योर कि आप अपने अमाउंट को यहाँ से निकाल लो। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।